हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज लेकर आई हूँ मैं लौकी से बनने वाले परांठे, जो कि बिल्कुल आसान हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और हेल्दी भी होते हैं ये लौकी के परांठे। तो यहाँ पर मैंने ली है लौकी, तो ये 1 किलो से कम ही है लौकी, 700 से 800 ग्राम है ये। और मैंने इसका छिलका है जो अलग कर दिया है और अच्छे से वॉश कर ली है ये। तो यहाँ पर लिया है मैंने कद्दूकस और मोटे साइड वाले से इसको मैंने ग्रेट कर लिया है इस तरीके से। और अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है थोड़ा सा, आधा चम्मच के करीब, ताकि इसमें जो भी पानी रिलीज होगा वो नमक डालने से अभी हो जाएगा। तो 1-2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख देते हैं, 2 मिनट के लिए करीब करीब। और 2 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें लौकी में जो जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसको इस तरीके से निचोड़ देंगे। और यहाँ पर ये लौकी का पानी मैंने निकाल दिया है, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर लिया है मैंने आटा, 300 ग्राम के आसपास आटा है ये। इसमें डाला मैंने थोड़ी सी अजवाइन हाथों से कर्स करके, थोड़ी सी मिर्च पाउडर और हींग डाली है थोड़ी सी, और नमक डाल लेंगे स्वाद के हिसाब से, हल्का सा ही डालेंगे, क्योंकि वो लौकी वाला पानी है ना मैं इसमें यूज कर रही हूँ, उसमें हमने नमक डाला था पहले, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप लौकी का पानी यूज करेंगे ना तो थोड़ा नमक कम ही डालना है आटे में, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक मीडियम सा डो लगा लेंगे, ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा लूज रखेंगे। और बाद में मैंने इसमें घी लगा दिया है, देसी घी थोड़ा सा, आधा चम्मच के करीब। और इसको अच्छे से मसल के रख देंगे आटे को करीब करीब 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर ये लौकी है जो इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे और इस तरीके से थोड़ी खिली खिली कर लेंगे इसको। यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची ली हैं, 1 छोटे साइज का प्याज लिया है, बारीक बारीक काटा है इनको मैंने। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच के करीब। नमक डाला है स्वाद के हिसाब से 1/2 चम्मच। और मिर्च पाउडर डाला है मैंने 1/2 चम्मच से भी कम ही, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची का ज़्यादा यूज किया है। और धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच, मसाले अपने हिसाब से थोड़े कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें चाट मसाला, थोड़ा सा कच्चे जीरे डालेंगे और इन्हीं मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैं हाथों से इनको बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है, तो इनको आटे की तरह गूंदना नहीं है, बस इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। और इसके साथ एक स्पेशल सा रायता बना रही हूँ मैं, प्याज वाला रायता, जो कि इन पराठों के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। यहाँ पर मैंने दही लिया है, अच्छे से फेंट लिया है और थोड़ा सा पानी भी डाला था इसके अंदर। 1 प्याज डाल दिए हैं बारीक बारीक काट के। और इसमें थोड़ा सा डाला है मैंने चना मसाला, थोड़ी सी मिर्च पाउडर, नमक डाल लेंगे स्वाद के हिसाब से। और अच्छे से मिक्स करेंगे इनको। और मिक्स करने के बाद इसमें एक तड़का लगा देंगे। तो आप इस तरीके से झटपट वाला रायता है कोई भी पराठे के साथ बनाकर खा सकते हैं। 1 चम्मच तेल में मैंने इसमें 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग डाली है और यहाँ पर तड़का लगा दिया है मैंने इस रायते के अंदर। 1 मिनट बाद खोलकर देखेंगे इसको। और ये देखिए रायता हमारा अच्छे से बनकर तैयार है। एक बार अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ मैं इसको। और अब झटपट से पराठे बना लेते हैं बिना किसी देर के। तो यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से लोई लेनी है। आटा अच्छे से सेट हो गया है, आटे को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो मैं आपको 2 तरीके शेयर कर रही हूँ पराठे बनाने के, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लोई को हल्का सा इस तरीके से बेला है, और जैसे आलू के परांठे बनाते हैं, जैसे कचौड़ी बनाते हैं, सेम उसी तरीके से भरा है मैंने इसको। और हल्के हाथों से बेलेंगे इसको इस तरीके से, तो ये थोड़ा बहुत फट जाता है।
लेकिन पराठे का टेस्ट है जो कम नहीं होगा, क्योंकि लौकी है, थोड़ा बहुत पानी रिलीज होता है मसाले डालने से। और यहाँ पर ये पराठा है, ये देखिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाया है मैंने इसको अल्ट पल्ट करके, और इस पर मैंने रिफाइंड ऑयल लगाया था। आप चाहे तो कोई भी घी या जिसमें भी आप पराठे बनाते हैं वो ले सकते हैं। और यहाँ पर ये दूसरा तरीका शेयर कर रही हूँ, मैंने दो रोटियाँ बनाई हैं, ये जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं उस तरीके से, एक रोटी के ऊपर ये लौकी की फिलिंग रखेंगे और किनारों से इस तरीके से पानी लगाएंगे थोड़ा थोड़ा, और दूसरी रोटी जो बनाकर रखी है वो इसके ऊपर डाल देंगे ताकि ये हम पराठा सेके अब खुले ना, और हल्के हाथों से ऊपर से थोड़ा सा इस तरीके से बेल देंगे। तो ये तरीका भी बिल्कुल आसान है। और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से एक साइड से थोड़ा सा सीखेगा ना पराठा, तो इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ मैं। तो इन पराठों का ना मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है, क्योंकि लौकी को अच्छी तरीके से पकाना है अंदर तक फीलिंग को। तो ये पराठे सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे मेरे घर में। आप भी इस तरीके से लौकी के पराठे ज़रूर बनाकर खाना। क्या होता है कि किसी किसी को लौकी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, लेकिन लौकी को खाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है ये। इसको किसी ना किसी रूप में खाना चाहिए, या रायता बनाकर या इस तरीके से पराठे बनाकर। और ये देखिए पराठा अच्छे से फूल रहा है। तो दोनों साइड से मैं लोहे के तवे पर ही पराठे बनाती हूँ, इससे क्या होता है कि एकदम करारे करारे पराठे बनते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये पराठा है जो बनकर तैयार है, तो सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा पराठा भी बेल कर रखा है। तो इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर, और इसी तरीके से दूसरा पराठा भी डाल दे रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैं पराठे को काट कर दिखा रही हूँ कि अंदर तक ये कितना अच्छे से पका है। और ये देखिए लौकी वाला पराठा कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और इसके साथ हमने स्पेशल सा रायता बनाया है। तो यहाँ पर ये देखिए एक मैंने ये इस तरीके से पराठा बनाया था, और इसमें भी ये देखिए लौकी की है जो फीलिंग अच्छे से भरी हुई है अंदर तक। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे लाइक का बटन है, वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने अच्छा नहीं लगा डिसलाइक भी कर सकते हैं। और लौकी के पराठे एक बार ज़रूर से बनाकर खाना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, सभी को बहुत ही पसंद आए थे। तो आप भी ज़रूर से बनाकर खाना झटपट वाले पराठे। आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस तरीके से पराठे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी ज़रूर से इंजॉय करना। थैंक यू।